लालगंज नगर क्षेत्र के एक ऐसा वार्ड जहां के पार्षद ने अपने फूफा के लिए बनाया सरकारी नाला और जनता के लिए मुंह में लगा लिया ताला। जी हां, हम बात कर रहे हैं लालगंज नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या पुराना 7 का, जहां का निवर्तमान पार्षद प्रेमशीला देवी हैं। यहां आप यह दृश्य देख सकते हैं कि मात्र एक घर के लिए लगभग 20 मीटर लंबा नाला बनाया गया है, लेकिन उस घर के बाद सड़क के दोनों तरफ दर्जनों घर हैं जिनके लिए किसी भी प्रकार का कोई नाला का निर्माण नहीं किया गया है। पार्षद को कहते कहते स्थानीय लोगों ने थक हार कर सड़क किनारे बिछने वाला ईंट को उखाड़ कर अपने स्तर से नाले के पानी निकासी के लिए एक नाला बनाया और सरकारी नाला बनाने के लिए कई वर्षों से पार्षद को कहते आ रहे हैं, लेकिन पार्षद हमेशा अब बनेगा तब बनेगा की उलझन में जनता को डाले हुए है। हालांकि यह वही वार्ड है जहां अगले वर्ष बाढ़ के समय में जल जमाव की भी स्थिति उत्पन्न हुई थी और वहां सामुदायिक किचन का व्यवस्था स्थानीय लोगों के अथक प्रयासों के बाद किया गया था। और यहां की कुछ बड़े नेताओं का दावा होता है कि यहां हर गली में पक्की नाली तथा सड़क का व्यवस्था है। हालांकि टूटा फूटा ही सही, सड़क तो है लेकिन दर्जनों घरों से निकलने वाले गंदे पानी को बहने के लिए सरकार की तरफ से पार्षद के प्रयासों से कोई नाला का निर्माण नहीं किया गया है, सिर्फ फूफा के लिए छोड़कर। अब जरा सोचिए, जहां का पार्षद रिश्तेदारी देखकर सरकारी योजना का लाभ दिलवाए, वहां का पार्षद भला क्या कार्य करते होंगे। हालांकि अब वह पार्षद चुनावी रण में तो नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले किसी और वार्ड के पार्षद इस बार अपना किस्मत वहां से फिर अजमा रहे हैं। अब उन दावों का क्या, जिस दावा में कहा गया है कि हमने यह किया वह किया, लेकिन धरातल पर उसने क्या किया यह आप खुद देख सकते हैं। सर, अभी तक यहाँ देख रहे हैं कि एक छोटा सा नाला बह रहा है और यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ सरकारी नाला नहीं बना हुआ है, क्या है, बना है कि नहीं अभी तक? सरकारी नाला इस रोड पे बना ही नहीं, तो ये पतला नाला क्या है? पतला नाला नहीं है, ये रोड है, बना था ना जी, तो उसमें दोनों साइड में 10 इंची का ईटा बिछाया गया जी, उसको इस तरफ के लोग जो है ना ईटा को निकाल दिया, और हम लोग जो है ना अपने अपने खर्चा से छोटा नाली बना दिया और उसमें ये लोग काटे को मिला दिया। तो नाला निर्माण के लिए कभी स्थानीय पार्षद वगैरह या उच्च अधिकारी से कभी बात वगैरह हुआ है? हमारी कोई बातचीत नहीं है, पार्षद पार्षद से कहा जाता है, लेकिन कहते हैं कि हाँ बन जाएगा, लेकिन समझे में नहीं आता। कई वर्ष से आप लोग कह रहे होंगे? हम लोग तो जब से यह समय से कह रहे हैं, लगभग लगभग 10-15 साल हो गया होगा। एक नाला वहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा बना हुआ, जहाँ एक भी घर भी नहीं है। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं बर्बादी है कि नहीं पैसे का? ये वार्ड परिषद के फूफा है बगल में, अच्छा, के लिए स्पेशल सरकारी नाला को बनाया गया, फूफा के लिए स्पेशल नाला है और जनता के लिए ईटा उखाड़ के बनाया, ईटा उखाड़ दिया गया है। ये कै नंबर वार्ड पड़ता है? पहले तो 7 था, आपका वार्ड परिषद प्रेमशिला देवी है। प्रेमशिला देवी जी, ठीक। आपका क्या नाम हुआ सर? सरकारी नाला को देख रहे हैं, उसको रोड काट करके हम लोगों को पर्सनल नाला मिला दिया। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुनीलाल प्रसाद हुआ। वहीं आपको हम लालगंज नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या पुराना 5 एवं 6 का भी कुछ दृश्य दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जगह जगह खुला नाला, नाला से उपटकर सड़क पर बहता पानी तथा कई जगह जर्जर स्थिति में टूटा सड़क देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर पिछले 10 सालों में यहाँ क्या कार्य हुआ होगा। मेरा मकसद किसी भी प्रतिनिधि का विरोध करने का नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि शायद धरातल पर वो प्रतिनिधि कार्य कर लेते, रिश्तेदारी भूलकर जनता के लिए भी जरा सोच लेते, तो आज नगर की विकास कुछ और नजरिए से देखा जा सकता था।